वेलकम बैक माय अंदर ब्लॉग। तो आ गए अपने नए वीडियो के साथ वापस। तो आज का जो वीडियो का थीम है बताएंगे नहीं, आपको दिखाएंगे। और जैसा कि मैंने काफी वीडियो आप लोगों को दिखाया है, कोलकाता का, शिवभूमि का और संतोष मित्रा स्क्वायर का दिखाया और यहाँ का आईटीआई का दिखाया, काफी फेमस पंडाल आप लोगों को दिखाया मैंने। बात करें अगर रिछड़ा का, तो रिछड़ा में भी काफी फेमस पंडाल होता है और टॉप पंडाल होता है। तो अभी आ गए एक ऐसे प्लेस में जिसके बारे में हमारा दादा बताएंगे और उनसे भी बात करवाएंगे आपको और उनके क्लब का भी नाम बताएंगे आपको। हमारे वीडियो कंटिन्यू बने रहिए, आगे चलिए दादा से मिलवाते हैं और क्या बात है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आ गए अपने दादा के पास और दादा बताएंगे अभी आप लोगों को। हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अभी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बताएंगे नहीं, आप लोग बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाएंगे। और फिलहाल दादा के बारे में जानते हैं और इनके क्लब के बारे में जानते हैं जो कि रिछड़ा का काफी फेमस पंडाल में चल रहा है। अभी दादा बताएंगे, दादा थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप बताइए। पहले सबको नमस्ते। मैं इस हम लोगों का क्लब का नाम है सातघोड़ा नतून दल क्लब, SND क्लब इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली श्रीरामपुर में है। तो वैसे कि हम लोगों का जो क्लब का दुर्गा पूजा है वो अभी 25 साल के में आया है। तो इस साल हम लोग क्या किए, एक नया थीम क्रिएट किए है। पहले आप चलिए प्रतिमा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थीम पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का पंडाल है और ये है हम लोगों का दुर्गा माँ जो बहुत ही सुंदर बना है। आप सभी लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। और आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है जो कि उधर है आदि योगी, तमिलनाडु का है आदि योगी, जो एक शिव का मूर्ति है तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। अभी हम लोग कुछ देर के लिए उसको इधर ही लेके आए, ऐसे ही समझ लीजिए। तो चलिए उसको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दादा का कहने का मतलब है कि जो आदि योगी मूर्ति का एक काफी अच्छा यहाँ पे कंटेंट लेके आया है और कहे तो थीम बना है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने पंडाल देख लिया, माता का दर्शन किया और आगे चलते हैं थीम के तरफ। और एक चीज है, हम लोगों का क्या है, एक शिवलिंग है, इतना हाइट का शिवलिंग है। अच्छा। जो कि पूरा 10 रुपए का कॉइन से बना है। वाह क्या बात है। तो गाइस चलिए देखते हैं, अभी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे वीडियो में बने रहिए क्योंकि दादा बोल रहे हैं एक शिवलिंग बना है इन्होंने, वो सिर्फ 10 रुपए का कॉइन से बना हुआ है। स्पेशली हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, हमारे वीडियो कंटिन्यू बने रही है। अभी चलते हैं फिलहाल दादा के साथ। और अगर किसी को आना होगा यहाँ पे तो कैसे आएंगे? बेसिकली जैसे कोई अगर रिजरा से आ गया तो रिजरा स्टेशन पे उतरेगा जयसी टेक्सटाइल की तरफ, उधर से टोटो पकड़ेगा, 10 मिनट लगेगा हार्डलीहार्ड, तो 10 रुपया लेगा, सातघड़ा बोलेगा तो लेके आ जाएगा। अगर कोई श्रीरामपुर से आ रहा है तो टॉकीज की तरफ उतरेगा, टॉकीज की तरफ उठ के वो टोटो में पकड़ेगा, टोटो पकड़ा करके अगर सातघड़ा बोलेगा तो उसको लेके आ जाएगा। और अगर कोई दिल्ली रोड से, डानकुनी या बौद्धवाटी से आ रहा है तो मुकेश होंडाई का शोरूम है, उसके ऑपोजिट साइड में बांगी हाटी बोल के एक रास्ता घुसता है, तो उसके उधर घुसने से कोई भी अगर किसी को बोल देंगे कि आदि योगी जाना है तो सबको ही दिखा देगा। ठीक है दादा, तो आगे चलते हैं और हमारे वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू। गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बताएंगे नहीं, आप वीडियो में देखते रहिए और चलते हैं आगे की तरफ। क्या फाइनली देख सकते हैं हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं और जो शिवलिंग का बात कर रहे हैं ये खाली 10 रुपए का सिक्का से बना हुआ है। स्पेशली आपको दिखाएंगे पास से और भी दादा दिखाएंगे। दादा ये क्या क्या कॉइन है? बेसिकली ये शिवलिंग है जो की पूरा एकदम कॉइन से बना है, 10 रुपए का कॉइन से, और नीचे का जो बेस है ये 1-2 रुपए का बना है। और ये शिवलिंग में थोड़ा पास से दिखाइए इसको और दादा, तो इस शिवलिंग में कम से कम 80-90 हजार रुपया लगा है। वाह क्या बात है। ठीक है, देख सकते हैं गाइस ये जो शिवलिंग बना है स्पेशली ये वेस्ट बंगाल में शायद सबसे पहले ही किसी मतलब क्लब ने किया है कि ये शिवलिंग तैयार किया है और ये लोग ये हम लोग खुद क्रिएट किए। ठीक है, तो चलिए आदि योगी देखते हैं। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये फर्स्ट टाइम हुआ पूरे वेस्ट बंगाल में, ऐसा थीम किसी के दिमाग में नहीं आया था। और जो शिवलिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, ये 10 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन मिला के किया गया है। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन पास से आके इसको दिखाने का कोशिश करिए हमारे ऑडियंस को और थोड़ा सा इधर से लेने का कोशिश करिए, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। और देख सकते हैं ये पूरा 10 का और नीचे में जो ये दिया हुआ है ये आपका 2-1 रुपए का है और यहाँ पे सारा 10 का कॉइन का ये बनाया हुआ है शिवलिंग, काफी अच्छा है, सारा ये 10 का ही कॉइन से बना हुआ है। तो बेसिकली हम लोग आदि योगी के पास पहुंच गए, कैमरामैन थोड़ा, हाँ बस ये है हम लोगों का आदि योगी। और दादा जैसे कि आदि योगी का तो आपने ये थीम दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे स्पेशल जो बात है वो आप हमको थोड़ा बताइए, हमारे ऑडियंस को भी बताइए। बेसिकली हम लोग जैसे देख सकते हैं आदि योगी, आदि योगी में तो बेसिकली हम लोग बहुत सारा लाइट यूज किए है, जैसे सार्फी है, पहाड़ है, सबसे खास चीज है लेजर लाइट, जो लेजर लाइट है वो ही आदि योगी को सबसे खूबसूरत बनाता है। उसका जो चांद है,
जो कान में जो लगता है बाली कुंडल, वो एकदम लाइट का है, फुलफिल लाइट का है। तो चलिए शो शुरू करते हैं हम लोग, ज्यादा बात नहीं करते हैं। बाजलो तुम्हार आलोर बेनु मातलो रे भुवन कैलाश धाम थेके मायर मर्ते आगमन और कैलाश धाम बोलले मने आसे देवादिदेव महादेवर कथा ताके नियेई सातघरा पूर्वपाड़ा अधिबासी वृंद सातघरा नतून दलेर रजत जयंती बर्षेर भावना ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম আবক্ষ মূর্তি আদিযোগী। আদিযোগীর মূর্তি নির্মাণ করেছেন ডলফিন আটচালা ঋষরা। মায়ের মূর্তি নির্মাণ করেছেন শ্রী বাপ্পা পাল, লোকনাথ শিল্পালয়, যাত্রা, শ্রীরামপুর। মণ্ডপ সজ্জায় সমীর ব্যানার্জি, ব্যানার্জি ডেকোরেটার্স, বড়া বিশালাক্ষীতলা, বড়া হবি। আলোকসজ্জায় রাতুল শীল, শীল ইলেকট্রিক, দারহাট্টা বাজার, হরিপাল, হুগলি। সহায়ক আলোকসজ্জায় অজয় হেলা, অজয় ইলেকট্রিক, সাতঘরা, শ্রীরামপুর। শব্দ প্রক্ষেপণে অভিজিৎ বাগ, তারামা সাউন্ড, মোল্লাবে। আগত সকল দর্শনার্থীকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আলো আর শব্দের খেলা, লাইট এন্ড সাউন্ড শো আদি যোগী। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi. As he was the first one, the Adi Yogi. Tunga mani kamna matta 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 manni.
जैसा कि आप लोगों को थीम दिखाया हमने यहाँ पे, और अभी जाएंगे रिव्यू लेने, देखते हैं क्या रिव्यू होता है हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्राउड काफी है, देख ही सकते हैं इस थीम के बारे में, जब से यहाँ पे बना है काफी क्राउड है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, और कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या थीम हुआ है। तो आप यहाँ पे जो थीम हुआ है उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप क्लियर करें कैसा हुआ है यहाँ का। ओके, इट इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ शिव, इट इज़ अ गॉडेस शिव, और ऑब्वियसली इस मॉन्यूमेंट में बहुत क्यूटनेस एंड बहुत प्यारा मॉन्यूमेंट बनाया गया है, बहुत अच्छा थीम है, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं इस थीम को, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ का लाइटिंग बहुत ही सुंदर है, द लाइट वाइट कलर एंड द मॉन्यूमेंट ऑफ शिव इज़ वेरी क्यूट एंड वेरी ब्यूटिफुल, एंड ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस लाइटनिंग को देखने के लिए, लोग भीड़ कर रहे हैं, ये इतना सुंदर मॉन्यूमेंट बना है, तो ऑब्वियसली हम तो चाहते हैं कि सब यहाँ देखने आए। थैंक यू सो मच। थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताइए मैम कैसा हुआ था यहाँ। भलो लागलो, नतूनत्व लागलो, दुर्गार पुजोते साधारणत दुर्गार ओपरेई देखा जाए, सेखाने शिवेर ओपरे करा होयेछे, सेटा एकटा नतूनत्व। আর দ্বিতীয় কথা, ভ্যানিশ যেরকম হয় সেটা থেকে একটু আলাদা লাগলো, যেহেতু এটা পুরোটাই লাইটের খেলা, সাউন্ডটাও খুব ভালো ছিল, তার জন্য এটা একটু অন্যরকম বলেই হয়তো ভালোটা লাগলো। ওটা তো হয়েছে, এখন এইবারে খুব মানে একটা আলাদা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ ওটাই, একটু একটু অন্যরকম, এখানে যে লাইটটা আছে সাধারণত দেখা যায় না পূজোতে, এই ধরনের জিনিস দেখা যায় না, দুর্গার ওই মারছে হচ্ছে এইগুলোই দেখা যায় যেহেতু, সেহেতু সেই জন্যই হয়তো একটু বেশিই ভালো লেগেছে। थैंक यू सो मच, अपना सदे मित्र खूब भालो लगे। दादा से पूछते हैं यहाँ पे क्या थीम हुआ है और कैसा लग रहा है, हमारे ऑडियंस को बताएंगे, तो दादा थोड़ा क्लियर करिए यहाँ का क्या सीन हुआ है। और थीम कल भी देख के गया था, आज भी देखने आया हूँ, बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है, कल खुद देख के गया था, आज घर वाले को लेके आया हूँ, बढ़िया लग रहा है एकदम। इस यहाँ पे दादा है, दादा से पूछेंगे यहाँ का रिव्यू देंगे कैसा हुआ है, हम लोगों ने तो देखा ही है और काफी लोगों का रिव्यू दे भी चुका है, और यहाँ पे अभी दादा से रिव्यू लेंगे, आप लोगों को देंगे, तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा आप रिव्यू दीजिए कैसा हुआ है यहाँ का ये माइक। ये तो मैं ये खूब भलो हो जे कटा और मैं ठाकुर देखे आसो ये मैंने हमार जा मन हुगली जिला मध्य मैं बेस्ट हो एक मैं पुकुरे मध्य जोटा आज हमें ये खबर नहीं चले एरा मैंने एरा विगत एरा दो बचर धरे एक कर मैं आदि जगह ये मैं कम बटे से मैं সেটা যে এখানে যে মানে সেটা তুলে ধরতে পেরেছে এটাই অনেক। আর আর আমরা মানে কলকাতা বা ওই কল্যাণীতে যে কটা ঠাকুর দেখলাম এটার থেকে মনে হচ্ছে এটা বেস্টই হবে, এটা মনে হচ্ছে এটা বেস্ট ঠাকুর হয়েছে, কারণ এর যে থিমটা পুরো এটা একটা পুকুরের মধ্যে এতটা হাইট যে করেছে, আর মানে পুরো সন্ধ্যে দিয়ে এটা করছে লাইটিং শোটা বা যে লাইটিং যে মেন যে এটা লাইটিং শোটাই এটা পুরো সন্ধ্যে দিয়ে হচ্ছে, এটাই মেন ভাল লাগলো এটা দেখে, এটা ভাল লাগলো দেখে এটা। थैंक यू खुबी भालो लगलो अपना साथ देखो। गाइस फाइनली देख लिया हम लोगों ने यहाँ का थीम, काफी सुंदर हुआ था, और दादा क्या बोल रहे हैं आप लोग जरूर ध्यान दीजिए इसको। तो सभी को बोल रहे हैं, तहे दिल से बोल रहे हैं कि आइए बाबा को दर्शन कीजिए, शिवलिंग को दर्शन कीजिए, सबको अच्छा लगेगा। ऐसा लाइट साउंड शो पहले ही कहीं हुआ है मुझे तो पता नहीं, लेकिन इधर हुआ है मैं ये जानता हूँ। तो सबको रिक्वेस्ट है कि आइए देख जाइए, एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों को होगा। सो इसके बाद दादा आपको सब कुछ बता देंगे, तो दादा भी देखा है।
आप तो, मैं तो देख ही लिया गाइस, यहाँ का देखने के बाद एक अलग ही फीलिंग है। वीडियो में पता नहीं कैसा दिखेगा, वो तो मुझे नहीं पता है। आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ विजिट करने का, और जब आइएगा तो आपको खुद फील होगा यहाँ पे काफ़ी सुंदर हुआ, आप खुद बताइएगा। और जो वीडियो में देख रहे हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, तो हमारे कॉमेंट में कॉमेंट करके बताइएगा कैसा हुआ है। एक और चीज़ दादा सबका रिव्यू ले ले, मैं दादा का रिव्यू ले लेता हूँ। दादा कैसा बना है आदि योगी? बहुत अच्छा बना है, बहुत। हम लोग ने बहुत टाइम दिया यहाँ पे और ब्लॉगिंग भी किया आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है एक्चुअली आ नहीं पाता है यहाँ पे। ठीक ठाक एड्रेस नहीं पता होता है, ठीक ठाक एड्रेस पता नहीं होता है, लेकिन उनके लिए भी ये दूर दूर तक जाएगा मैसेज और वीडियो, क्योंकि ये लोग दादा रात दिन मेहनत करके एक पंडाल की है। दो साल से तैयारी चल रहा था, दो साल से कर रहे हैं, और एक नया थीम लेके आया है। स्पेशली मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब इन्होंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं आया था इधर में देखा, तो स्पेशली मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।